हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूँ रंजन राज और आज हम लोग बात करने वाले हैं CITS एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आपको पता है CTI का फॉर्म आने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके मन में डाउट्स हैं इस कोर्स को लेके, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आपको अगर नहीं पता रहता तो उस कोर्स को लेके या उस चीज़ को लेके आपके मन में जो है डाउट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो मेरा मेन पर्पज़ ये वीडियो बनाने का ये है कि फॉर्म आने तक मैं डेली या रेगुलर बेसिस पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा CITS से रिलेटेड, जिससे होगा क्या कि जो भी आपके मन में डाउट्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। और जब तक फॉर्म आएगा तब तक आपके मैक्सिमम डाउट्स जो है दूर हो चुके रहेंगे और आप आसानी से फॉर्म भर के प्रिपरेशन करके एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। अब बात करते हैं कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि CITS के फॉर्म भरने से लेकर फाइनल एडमिशन तक का जो सफ़र होता है, प्रोसेस होता है, वो कैसा होता है। तो कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि भाई सिंपल एग्ज़ाम होगा और उसके बाद हम जाएंगे एडमिशन ले लेंगे। तो नॉर्मल ऐसा ही होता है, किसी भी आप तरह का कोर्स करते हैं वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो नॉर्मल ऐसा ही होता है। लेकिन CITS के साथ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या होता है ना कि धीरे धीरे करके कुछ ज़्यादा ही प्रोसेस क्या होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उन्हीं प्रोसेस के बारे में मैं आपको बात करूंगा, जो आपके डाउट्स हैं वो दूर करूंगा। इसके पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं तो CITS 2020 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे मैक्सिमम डाउट्स मैंने दूर किए हैं, और 2021 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे भी 8-10 वीडियो हैं जहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया है। तो जाके आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको जब फॉर्म आएगा तो आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के बाद सभी चीज़ें आपको बगल में मैं दिखाता जाऊँगा ताकि आपको क्लियर होती चले कि कौन सा जो चीज़ होता है वो कैसा होता है, कौन सा प्रोसेस कैसा होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर लेंगे तो उसके बाद आपको उसका प्रिंटआउट ले लेना है। इसके बाद आपको जो एग्ज़ाम डेट अगर प्रॉस्पेक्टस में दी रहेगी तो अच्छी बात है, आप पहले से ही प्रिपरेशन करने लगेंगे। या अगर कोरोना वगैरह के कारण आपको एग्ज़ाम डेट नहीं देता है तो एग्ज़ाम से जस्ट 10 दिन पहले, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, अगर प्रॉस्पेक्टस 2000 एक फॉर्म आने के साथ एक प्रॉस्पेक्टस आता है, अगर उसमें उन्होंने एग्ज़ाम डेट बता दिया है तो भाई अच्छी बात है, उस दिन ये एग्ज़ाम हो जाता है अगर सभी सिचुएशन सही रहती है। लेकिन अगर उसमें उन्होंने कोई एग्ज़ाम डेट नहीं बताया है, यानी कि ये कहा है कि आपको एग्ज़ाम डेट बाद में बताया जाएगा, तो एग्ज़ाम से जस्ट 10 दिन पहले ही आपको सूचित किया जाता है। जब आपको 10 दिन पहले सूचित किया जाता है तो उसी समय जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो nimionlineadmission.in, इस वेबसाइट पर आपको विजिट करते रहना है। उसी वेबसाइट पर एक मॉक टेस्ट का भी लिंक भी आपको एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने ऑनलाइन कभी एग्ज़ाम नहीं दिया रहता है या उनको बड़ी घबराहट होती है कि यार ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो उसी के रिगार्डिंग 10 दिन पहले जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाती है तो उसी 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आता है, और जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है यानी कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा उसका एक सैंपल का लिंक आपको दे दिया जाता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, किस तरीके से हमको आंसर को सिलेक्ट करना है, किस तरीके से नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो वहाँ पे आप करके सभी प्रोसेस देख लेते हैं। जिन लोगों ने कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया वो भी क्या होते हैं, कंप्यूटर फ्रेंडली हो जाते हैं उस मॉक टेस्ट को देकर। अब इसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, आप एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद रिजल्ट का वेट करते हैं। बगल में आप देख सकते हैं जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहां पर आपका ट्रेड लिखा होगा, आपके मार्क्स वगैरह लिखे होंगे, ठीक है। अब रिजल्ट आने के लगभग 10 दिन बाद, ठीक है, रिजल्ट आने के 10 दिन बाद लगभग आपको एक काउंसलिंग की डेट दी जाती है। काउंसलिंग क्या होती है, 3 चरणों में होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फेज की काउंसलिंग, सेकेंड फेज की काउंसलिंग और थर्ड फेज की काउंसलिंग। तो जब सभी का रिजल्ट एक साथ आता है, सभी जो कैंडिडेट हैं अपने मार्क्स देख लेते हैं कि भैया हमने इतना मार्क्स ऑब्टेन किया है, उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट काउंसलिंग का जो लिंक है ऑनलाइन, ठीक है, आपको कहीं जाना नहीं है काउंसलिंग के लिए, किसी कॉलेज में भीड़ नहीं लगानी है, पहले बात समझ लीजिए। ऑनलाइन ही आपको क्या करना होता है, जब फर्स्ट काउंसलिंग का लिंक एक्टिवेट हो जाता है तो ऑनलाइन ही आपको 5 कॉलेज चुनने का ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि कौन सा कॉलेज आप लेना चाहते हैं आप उसको 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से क्रम में भर सकते हैं। उस क्रम में भरने के बाद जो भी आपकी फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है, फोर्थ चॉइस है, फिफ्थ चॉइस है, उस करके आप उस कॉलेज को लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद 2 दिन बाद फर्स्ट काउंसलिंग का क्या होता है, रिजल्ट आता है।
फर्स्ट काउंसलिंग में रिजल्ट, फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आने पर यह बताया जाता है कि आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया था, पांच कॉलेज, उसमें से आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, कुछ लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिल पाता है, जिनके कम मार्क्स रहते हैं उनको क्या होता है कि हायर मार्क्स वाले जो कैंडिडेट रहते हैं वो क्या कर लेते हैं, कॉलेज को पहले ले लेते हैं। तो कुछ कैंडिडेट को फर्स्ट काउंसलिंग के बाद कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो उन लोग को क्या करना चाहिए, सेकंड काउंसलिंग का वेट करना चाहिए। और इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको सेकंड काउंसलिंग का वेट नहीं करना है, अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपना मनपसंद कॉलेज लेना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर सभी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। साथ ही साथ मॉडल पेपर भी हमारा उपलब्ध है, फिटर का उपलब्ध है, मशीनिस्ट का उपलब्ध है, टर्नर का उपलब्ध है, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी का उपलब्ध है, इलेक्ट्रीशियन का है। और साथ ही साथ जिन ट्रेड वालों का ट्रेड से रिलेटेड मॉडल पेपर उपलब्ध नहीं है, उनके लिए हमने एक अलग से नॉन टेक्निकल मॉडल पेपर बना दिया है, जहाँ पर किस तरीके से नॉन टेक्निकल प्रश्न पूछे जाते हैं, लेवल क्या रहता है, किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सेम उसी तरीके से उस मॉडल पेपर को बनाया गया है। तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया कि आपको भैया ये कॉलेज अलाट हो गया, तो उसके बाद क्या करना रहता है, 2 से 3 दिन का समय आपको मिलता है प्रोविजनल एडमिशन के लिए। अब प्रोविजनल एडमिशन क्या होता है उसको ध्यान से समझिए। जब आपने रिजल्ट आ गया, फर्स्ट काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट कर लिया और आपको ये पता चल गया कि हमको ये कॉलेज मिल गया, एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे आप बिहार के पटना के रहने वाले छात्र हैं, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बिहार के पटना के रहने वाले छात्र हैं, तो बिहार में कोई बॉयज़ का जो है कॉलेज नहीं है, कोई NSTI बॉयज़ के लिए नहीं है, एक गर्ल्स NSTI है पटना में, लेकिन आप लड़के हैं तो आप क्या करेंगे, जो अपने आसपास का NSTI रहेगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए आपने अच्छे मार्क्स हैं, तो आपने कहा कि भैया बिहार, बिहार के बगल में है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हमारा NSTI है कानपुर, तो आपने कानपुर को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको कानपुर अलाट हो गया, तो 2 से 3 दिन का समय है, तो क्या आप पटना से इतनी जल्दी कानपुर आ सकते हैं प्रोविजनल एडमिशन के लिए, नहीं। इसी की सुविधा के लिए निमी ने यह कहा है कि भैया जब आपको कॉलेज अलाट हो जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके आसपास के NSTI हैं, यानी कि नियरेस्ट NSTI हैं, चाहे वो गर्ल्स का NSTI हो चाहे वो बॉयज़ का NSTI हो, आपको जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और प्रोविजनल एडमिशन लेना है। प्रोविजनल एडमिशन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप पटना के छात्र हैं, आपको कानपुर अलाट हो गया, तो आपको पटना में ही जो गर्ल्स का NSTI है वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कराने हैं कि भैया हाँ हम जेन्युइन कैंडिडेट हैं और हम एडमिशन लेना चाहते हैं। जब आप जाके वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि एक सरसरी निगाह में वहाँ पे डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है और ये जानना चाहता है निमी कि आप भैया एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी सीट को लॉक कर दिया जाए, तो आपकी सीट को क्या कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है प्रोविजनल एडमिशन के बाद। उसके बाद आपको क्या करना रहता है, कुछ नहीं करना रहता है, आपको अपने घर पे आराम से आराम करते रहना है। उसके बाद फिर सेकंड काउंसलिंग इसी तरीके से होगी। मान लीजिए कुछ कैंडिडेट ने कॉलेज तो अलाट हुआ लेकिन वो प्रोविजनल एडमिशन लेने नहीं जा पाए, तो उनकी सीट क्या होगी, कैंसिल होगी। जब उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी तो सेकंड काउंसलिंग में सीटें खाली हो जाएंगी, तो जिन कैंडिडेट के कम नंबर हैं उनको सीट मिलेगी। इसी तरीके से फिर थर्ड काउंसलिंग का जो है प्रोसेस है वो होता है। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग होने के बाद अब यहाँ से शुरू होता है फाइनल एडमिशन का प्रोसेस। आपको डेट दी जाएगी एक, जो भी आपको कॉलेज अलाट हुआ है उसकी वेबसाइट पर, कि भैया इतने तारीख से इतने तारीख के बीच आपको फाइनल एडमिशन कराना है। तो अब जो बिहार का लड़का है जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया था पटना में, अब उसको कानपुर अलाट हुआ था, अब वो कहाँ पे जाएगा फिजिकल एडमिशन के लिए या फाइनल एडमिशन के लिए, कहाँ पर जाएगा, कानपुर जाएगा और वहाँ पे फाइनल एडमिशन लेगा और फिर वहाँ पे लाइन वगैरह लगाएगा, हॉस्टल वगैरह के लिए भीड़ मार होगी कि हमको हॉस्टल चाहिए, हमको हॉस्टल चाहिए। तो इस तरीके की जद्दोजहद के बाद उसको जो है फाइनल एडमिशन मिल जाएगा। बगल में जब मैं कानपुर गया था तो वहाँ पे जो मेरी यादें हैं उसको आप देख सकते हैं, जब मैं वहाँ पे विजिट करने गया था। ठीक, अब बात आती है एकदम लोएस्ट कैंडिडेट की, जिन्होंने क्या किया है कि पढ़ा लिखा कुछ नहीं और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया, 30 नंबर पाए, 33 नंबर पाए, 34 नंबर पाए। तो अब देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो कि क्या होते हैं कि फाइनल एडमिशन लेने नहीं जाते हैं, प्रोविजनल एडमिशन उन्होंने ले लिया, अपनी सीट लॉक कर लिया, लेकिन किसी कारण की वजह से वो फाइनल एडमिशन लेने नहीं गए NSTI में। तो जब फाइनल एडमिशन लेने वो नहीं जाएंगे तो कुछ दिन NSTI उनका इंतज़ार करेगा और उसके बाद जब वो फाइनल एडमिशन नहीं लेंगे तो उनकी सीट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। जब उनकी सीट को, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे यूपी का कोई लड़का है, अब उसको मिल गया चेन्नई, आसपास का उसका
इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे कि उसको आसपास का कॉलेज कानपुर देहरादून ये सब मिले, तो उसको मिल गया चेन्नई। तो अब उसने ये बाद में सोचा, प्रोविजनल एडमिशन तो उसने ले लिया बगल में कानपुर में अपना वेरिफिकेशन करा के, यूपी का लड़का है, लेकिन अब चेन्नई जाने में उसको लग रहा है यार चेन्नई इतनी दूर कौन जाएगा, तो वो फाइनल एडमिशन के लिए चेन्नई नहीं गया, तो उसकी सीट क्या हो गई, खाली हो गई। इस तरीके से विभिन्न कॉलेज में जब लड़के फाइनल एडमिशन के लिए नहीं जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उनकी सीटें खाली हो जाती हैं, और सीट जब खाली हो जाती है तो तब यहाँ से शुरू होता है स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस। जहाँ पे जब सीटें खाली हो जाती हैं तो स्पॉट एडमिशन में ये होता है, उसका भी लिंक एक्टिवेट होता है, तो स्पॉट एडमिशन में भी आपको उसमें कॉलेज चॉइस करके, एक कॉलेज चॉइस करके अगर आपको कॉलेज अलाट होता है तो आप जाके वहाँ पे जो है एडमिशन ले सकते हैं, जो भी कॉलेज आपको अलाट होता है, या डायरेक्ट आप कॉलेज में भी जाके एडमिशन ले सकते हैं स्पॉट एडमिशन के अंतर्गत। पहले क्या होता था 2 साल 3 साल पहले कि अगर आपने फॉर्म नहीं भी भरा है तब भी आप स्पॉट एडमिशन ले सकते थे, लेकिन पिछली बार से निमी ने क्या कर दिया कि इस जो है प्रोसेस को बदल दिया, अगर आपने फॉर्म फिल किया है और एग्ज़ाम दिया है तभी आप स्पॉट में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये लग रहा है डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे तो डायरेक्ट एडमिशन होता है भैया, स्पॉट एडमिशन होता है अगर सीटें खाली रहती हैं तो, लेकिन उसके लिए भी आपको फॉर्म फिल किए रहना और एग्ज़ाम दिए रहना ज़रूरी है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, एग्ज़ाम नहीं दिया, तो आप स्पॉट एडमिशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का होता है फुल प्रोसेस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद आप उसका एप्लीकेशन प्रिंट वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद आती है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट के 10 दिन पहले आपका जो मॉक टेस्ट का लिंक है वो एक्टिवेट होता है और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप जाते हैं एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, फर्स्ट फेज की काउंसलिंग होती है, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। काउंसलिंग के बाद आपको जो भी कॉलेज अलाट हुआ है प्रोविजनल एडमिशन के लिए अपने आसपास के कॉलेज में जाना रहता है, और उस प्रोविजनल एडमिशन जब आप ले लेंगे तो आपकी सीट एकदम से उस कॉलेज में लॉक कर दी जाएगी, और उसके बाद फिर आपको फाइनल एडमिशन के लिए वहाँ पर जाना है जो भी कॉलेज आपको अलाट हुआ है, जो भी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया। फाइनल एडमिशन के लिए आपको जाना है। जो कुछ लड़के क्या होते हैं फाइनल एडमिशन में नहीं जाते हैं तो उनकी सीटें फिर खाली रह जाती हैं, तो उसके बाद क्या होता है स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो स्पॉट एडमिशन में भी आप रजिस्ट्रेशन करके और डायरेक्ट जो है कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो ये चीज़ें हैं CITS के बारे में वो आपको समझ में आ गई होंगी, और ऐसे ही वीडियोस डेली मैं आपको देने का प्रयास करूँगा डेली या 1-2 दिन के अंतर पर, ताकि जो फॉर्म आते आते जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्या हो जाएं, दूर हो जाएं। साथ ही साथ आपको ऐसे ही CITS से जुड़ी अपडेट चाहिए, क्लासेस चाहिए, लेक्चर्स भी हमारे चलते हैं, CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है, CITS रिलेटेड सभी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।